बिखराओ मेरा महबूब आया। 50 और 60 का दशक मोहम्मद रफी के नाम से था। और उस दौर में रफी साहब ने एक से बढ़कर एक गीत गाए। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। लेकिन साल 1969 में फिल्म आराधना के हिट होने के बाद किशोर कुमार का दौर शुरू हो गया और 70 के दशक में किशोर कुमार का दौर रहा। तेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी। 70 के दशक में किशोर कुमार ने एक से बढ़कर एक गीत गाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा। 70 के दशक में ज्यादातर निर्माता, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेता किशोर कुमार से ही गाना गवाना चाहते थे। अरे उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ। लेकिन उस दौर में भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन और रवि जैसे अनेक संगीतकार थे जो मोहम्मद रफी से भी गाना गवा रहे थे। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। उस दौर में कई गीत ऐसे रहे जिसे पहले मोहम्मद रफी से गवाया गया, लेकिन बाद में निर्माता, निर्देशक, एक्टर या डिस्ट्रीब्यूटर के दबाव में उस गाने को किशोर कुमार से दोबारा रिकॉर्ड कराया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी गीत रहे जिसे पहले किशोर कुमार से रिकॉर्ड कराया गया था, लेकिन फिर बाद में उसी गीत को मोहम्मद रफी से रिकॉर्ड कराया गया। इस वीडियो में उस गीत के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे प्रोड्यूसर के दबाव में पहले किशोर कुमार से रिकॉर्ड कराया गया, लेकिन फिर उसी प्रोड्यूसर ने उसी गीत को किशोर कुमार को हटाकर मोहम्मद रफी से रिकॉर्ड करने को कहा। आखिर क्यों, कौन सा गाना है और क्या है उस गाने के बनने की कहानी, इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रही हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 1975 में धर्मेंद्र, लीना चंदावरकर और शर्मिला टैगोर स्टारर फिल्म रिलीज हुई थी, एक महल हो सपनों का। ये साल 1975 की 20 फिल्मों में से सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने कई यादगार और बेहतरीन गाने गाए थे। जिंदगी गुजारने को साथी एक चाहिए, उसमें डर नहीं। फिल्म में 3 एकल गीत किशोर कुमार ने गाए थे। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करी। एक एकल गीत लता मंगेशकर ने गाए थे, जबकि एक युगल गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने गाए। दरअसल ये युगल गीत फिल्म का एक टाइटल गीत है। असल में इस गीत को प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल के कहने पर किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन बाद में उन्हीं के कहने पर इस गीत से किशोर कुमार को हटाकर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर से रिकॉर्ड कराया गया। ये सारा किस्सा म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी ने एक प्रोग्राम में खुद बताया था। छत के झिलमिल तारे तेरा मेरा नाम पुकारे एक महल हो। संगीतकार रवि ने बताया कि मोहम्मद रफी साहब फिल्मी पत्रिकाओं और अखबारों को इंटरव्यू देने से कतराते थे, लेकिन एक बार एक अखबार के पत्रकार रफी साहब के पास आए। पत्रकार ने रफी साहब से पूछा कि रफी साहब, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी गाने को काट कर वही गाना किसी और सिंगर से गवाया गया हो। बाद में रफी साहब ने संगीतकार रवि से पूछा कि क्या कोई गाना ऐसा है जिसे पहले मुझसे रिकॉर्ड कराया गया और बाद में उसे किशोर कुमार से रिकॉर्ड कराया गया हो। रवि साहब ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया। एक दिन रफी साहब मेरे घर आए और कहा कि पत्रकार पूछ रहे हैं कि क्या उनका कोई गीत कैंसिल किया गया है और उसे फिर से किशोर कुमार से रिकॉर्ड कराया गया है। मैंने उन्हें बताया कि कम से कम मेरे कारण तो कभी ऐसा नहीं हुआ, उल्टे मैंने किशोर कुमार की जगह वही गीत आपसे गवाया है। मेरे प्यार की
खुश। इस गीत के बारे में संगीतकार रवि ने बताया कि वह इस गीत को लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी से रिकॉर्ड कराना चाहते थे। संगीतकार रवि ने कहा, एक महल हो सपनों का के बनने के दौरान निर्माता देवेंद्र गोयल ने कहा कि उनके बच्चे चाहते हैं कि डुएट में पुरुष स्वर किशोर कुमार का हो। मैंने उन्हें याद दिलाया कि फिल्म के नायक धर्मेंद्र हैं और उन पर तो रफी साहब की ही आवाज फपती है, किशोर की नहीं। पर वह नहीं माने तो नहीं माने, हार कर मैंने लता के साथ किशोर कुमार को ही रखा। संगीतकार रवि बताते हैं कि कुछ दिनों बाद गोयल साहब मुझसे बोले कि गीत को फिल्माने से पहले उन्होंने शॉट के लिए जो खाके तैयार किए उसमें से उन्हें लगा कि कुछ तो है जो ठीक नहीं हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर कल्पना में रोमांस कर रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा है। मैंने गोयल साहब से कहा कि मैंने तो पहले ही सावधान किया था। इसके बाद गोयल साहब ने कहा कि इस गाने को अब लता मंगेशकर के साथ रफी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करा लीजिए। मेरे हिसाब से किशोर कुमार की आवाज़ धर्मेंद्र पर सूट नहीं हो रही है। तेरे रूप की ज्योति सपनों की। वैसे भी धर्मेंद्र पर मोहम्मद रफी की आवाज़ ज्यादा सूट होती है। खुद धर्मेंद्र ने कई इंटरव्यूज में कहा कि वह रफी साहब की आवाज़ पसंद करते थे क्योंकि रफी साहब मेरे लिए गाने को उसी तरह से ढाल लेते थे। बाकी भी अच्छे, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, सब अच्छे, लेकिन मैं तो मोहम्मद रफी। अब देवेंद्र गोयल की बात सुनकर संगीतकार रवि परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि किशोर कुमार इतने बड़े सिंगर हैं और उन्होंने गाया भी बहुत अच्छा है, अब इस गाने में उनको कैसे हटाया जा सकता है, वह नाराज हो जाएंगे। हालांकि किशोर कुमार को उस गाने के लिए पूरा भुगतान किया जा चुका था, लेकिन किसी गाने से किशोर कुमार को हटाकर दूसरे गायक से उस गाने को गवाना जोखिम का काम था। लेकिन प्रोड्यूसर की बात मानते हुए संगीतकार रवि ने मोहम्मद रफी साहब से संपर्क किया और उनसे उस गाने को लता मंगेशकर के साथ दोबारा से रिकॉर्ड कराया गया। मेरे प्यार की खुशबू फैले, तेरे रूप की ज्योति एक महल हो। उसके बाद संगीतकार रवि ने मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में रिकॉर्ड किए हुए गाने को गोयल साहब को सुनाया। इस बारे में संगीतकार रवि ने खुद बताया, उस गाने को सुनकर गोयल साहब कुछ बोले तो नहीं लेकिन उनके चेहरे पर संतोष छलक आया। ये गाना उन दिनों खूब बजता था, ये गाना खूब लोकप्रिय हुआ। नैनों पर कर दूं अपना सब कुछ वारी। दोस्तों, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड हुआ गाना अब उपलब्ध नहीं है। अगर ये गाना कहीं मिल जाए तो संगीत प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के गाए गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप पूरे गाने का आनंद उठाना चाहते हैं तो लिंक को क्लिक करके पूरा गाना सुन सकते हैं। कॉपीराइट नियम के कारण आपको यहाँ पूरा गाना नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये गीत कैसा लगता है? इस गीत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।